हाय एवरीवन, मेरा नाम है निकिता और मैं हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर। तो जैसे कि आप जानते हो, आज है 27 अप्रैल और CBSE क्लास 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो हम आए हैं सुशांत लोक DPS स्कूल के बाहर बच्चों का रिव्यू देखने के लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, वॉज इट टफ, वॉज इट नॉट। तो चलो मिलते हैं स्टूडेंट से। योर नेम? गर्विता माथुर। ओके, सो आपका पेपर कैसा गया है? पेपर वॉज ईजी एंड इट वेंट वेल। तो हम लोगों ने देखा 4 सेक्शंस आए थे 40 का, तो इंग्लिश पेपर को एक्सपेक्टेड रहता है कि वो बहुत लेंथी होता है, तो ये पेपर लेंथी था? लेंथी था बट मैनेजेबल था, इतना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथी भी नहीं था, मैनेजेबल था। सो 4 सेक्शंस जैसे रहते हैं, लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, तो आप बता सकते हो कि आपको लगा हो कि ये वाला थोड़ा सा टफ था, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम कंज्यूमिंग था या नहीं? लिटरेचर का जो लॉन्ग आंसर्स थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, रेस्ट मैनेजेबल। चलो ओके, सो अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड है। अच्छे मार्क्स, थैंक यू जी। तो आपका नाम? सुजल। सुजल, यस। ओके, सो इंग्लिश का एग्जाम ऑब्वियसली अब तो खत्म हो गया है, तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा आया था। इंग्लिश पेपर जो एक्सपेक्टेड रहता है लेंथी, तो लंबा था, टाइम कंज्यूमिंग? यस, द पेपर वाज टाइम कंज्यूमिंग, काफी लंबा था, लेकिन फर्स्ट टर्म के मुकाबले पेपर इजी आया था। फर्स्ट टर्म के मुकाबले इजी था? सो सब्जेक्टिव था लिखने में, जैसे अभी अपन ने राइटिंग सेक्शन जो है, पिछली बार तो हमें MCQs दिए गए थे, इस बार ही राइटिंग सेक्शन टाइम ले गया, रीडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन आपको लगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था? सेक्शन सी, जो कि लिटरेचर सेक्शन है, वो काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि इस बार लंबे लॉन्ग आंसर लिखने थे। okay. उनमें मार्किंग स्कीम भी उनकी अच्छी होती है, तो उस चक्कर में सब्जेक्टिव था, इसीलिए थोड़ा मुश्किल था, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, अच्छे मार्क्स। ओके, सो लेट्स सी। आपका नाम? अनुषा। अनुषा, हाँ। ओके, सो अनुषा कैसा, मतलब पेपर क्या, पूरा एक्सपीरियंस आप पेपर बताओ कैसा रहा? इट वाज इजी, बट कहीं कहीं पे थोड़े से क्वेश्चंस, आई विल नॉट से ट्रिकी, बट दे वर वियर्ड देन नॉर्मल, जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, घुमा करके पूछे थे। सो मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम कंज्यूमिंग होता है और राइटिंग में भी, पिछली बार टर्म 1 में तो MCQs थे, तो इस बार ही आपको क्या लगता है कि रीड लाइक कॉम्प्रिहेंशन वाज वेरी स्ट्रेट, सारे आंसर्स थे अंदर ही, सो इट वाज वेरी स्ट्रेट ऑन द पॉइंट, एंड ग्रामर में थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एंड लिटरेचर वाज इजी, बस एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, बट बाकी एवरीथिंग वाज इजी। थैंक यू। इस पेपर कैसा था, इजी और हार्ड? Easy था। मतलब सभी से सुनने में आ रहा है पेपर इजी था, लेंथी नहीं था क्या इस बार का पेपर? इंग्लिश को हम एक्सपेक्ट करते हैं लेंथी, लेंथी नहीं था, लेंथी नहीं था। कोई डिफिकल्ट सेक्शन लगाओ, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर? ग्रामर थोड़ा सा लिटिल टफ था, थोड़ा सा। तो लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं, लाइक डायरेक्टली उठ करके आए थे चैप्टर से या वैल्यू बेस्ड में कुछ ज्यादा ही ट्रिकी था? नहीं, डायरेक्टली थे, इतने टफ नहीं थे जितने सैंपल पेपर में थे। तो मतलब अगर हम कंपैरिजन करेंगे टर्म 1 टर्म 2 में, तो आपको इजी कौन सा लगा? टर्म 2 इजी था। चलो गाइस, सो ऑल द बेस्ट, देखते हैं एग्जाम्स में मार्क्स भी इतने अच्छे आने चाहिए। ओके, सो गाइस, पेपर कैसा गया आपका? अच्छा था, इजी था। ग्रामर, राइटिंग स्किल्स सब इजी था, पर लिटरेचर था जो थोड़ा, जितनी प्रिपरेशन करी थी उसे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा इजी होगा, पर थोड़ा सा टफ था। क्रिटिकल पोर्शन जितना बुक में वर्कशीट्स दी हुई थी उनसे थोड़ा ज्यादा था, इवन सैंपल पेपर से थोड़ा टफ था। बेसिकली एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, घुमा करके आए थे। अच्छा, तो ओवरऑल वाज इजी। ओके, सो हमने देखा कि कोरोना के काफ़ी टाइम बाद अब इतना सारा लिखने का आया जो कि प्रैक्टिस में नहीं था, तो वॉज इट फाइन? लेंथी कुछ प्रॉब्लम फेस करी? टाइमली हो गया था। तो टर्म 1 टर्म 2 में कौन सा वाला आपको ज़्यादा बेहतर लगा? टर्म 2 वाज easier as compared to was writing, and MCQs mein there were questions where we have to think a lot, and then we have to two to three options seemed right, so we had to choose more wisely. ओके, सो बेसिकली पेपर अच्छा गया है और हम अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो गाइस, आप सभी के नाम? इक्षिता। अक्षिता। जय। रणवीर। हिमांशु। ओके, सो पेपर कैसा था इस बार का आपका? मॉडरेट था, मॉडरेट, इजी था, इजी, मॉडरेट। सो यहां पे कोई टफ वाला नहीं है? अच्छा, तो अगर हम टर्म 1 और टर्म 2 में कंपेयर करेंगे तो किसको आप बोलोगे कि इट वाज मोर इजी? टर्म 1। जैसे कि यार कोरोना के टाइम पे लिखने की आदत नहीं थी तुम लोगों को, और अब लिखने के लिए गए थे, काफी लंबे लंबे आंसर्स एंड क्वेश्चंस रहे होंगे, सो मतलब लाइक कोई डिफिकल्टी फेस करी? कुछ लेंथी क्वेश्चंस आ रखे थे, कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग? ऐसा कुछ नहीं, इजीली टाइम पे खत्म हुआ था एग्जाम, बिफोर टाइम। सो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लाइक है एक्सपेक्टेड। थैंक यू। तो जैसे कि अभी अभी हमने सभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन नोट किया है, तो उससे पता चला है कि लिटरेचर का जो सेक्शन था
वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, काफी घुमा करके क्वेश्चंस पूछे थे। और हाँ, बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि पेपर इतना टफ नहीं था, मॉडरेट था, इजी था, और साथ ही साथ कुछ ग्रामर जो था वो ट्रिकी रहा है। बट अगर आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो टेंशन मत लो, आंसर की अभी अभी डाउटनेट पर रिलीज होने वाली है। और CBSE से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए डाउटनेट को सब्सक्राइब कर लेना।